गुजरात में भाजपा के लिए चुनाव पूर्व एक तैयारी अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं से वर्चुअल तरीके से बातचीत की। एक पखवाड़े से समय समय पर हो रही बर्फबारी के कारण केदारनाथ में 14 फीट से अधिक बर्फ जमा हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के विकास की अवधारणा को महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में बदल दिया है। 8 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में 36 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 10 दिनों में दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट या संक्रमण दर में 20% की कमी आई है। महाराष्ट्र में वर्धा के रास्ते सेलसुरा के पास एक पुल से कार गिरने से भाजपा विधायक विजय रहांगदाले के बेटे आविष्कार रहांगदाले समेत 7 छात्रों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में सर्दी के मौसम का डबल अटैक हुआ है। जनवरी महीने के रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। कोरोना की एक के बाद एक लहर ने देश दुनिया को हिला कर रख दिया है। पढ़ाई से लेकर व्यापार तक शायद ही कोई ऐसा होगा जो इससे प्रभावित न हुआ हो। उन्नाव की एक महिला ने सोमवार शाम को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया।